चोपड़ा ग्रामीण पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि तालुका की उत्तम नगर निवासी रवि केलारिया बाबरा 25 वर्षीय अरहर के खेत में गांजे की खेती कर रहा है, जिसके बाद ग्रामीण पुलिस ने खेत पर छापा मारा। 24 तारीख की शाम करीब 5 बजे खेत से इसमें पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया। इकट्ठा किए गए करीब 785 क्विंटल गीले गांजा की कीमत 31,90,000 रुपए है। ग्रामीण पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रवि केलारा पावरा तालुका के उत्तम नगर में अरहर के खेत में अंतः फसल के रूप में गांजे की खेती कर रहा था। उसके आधार पर ग्रामीण पुलिस ने जाल बिछाकर शाम करीब 4:30 बजे खेत में छापा मारा है। इसमें अरहर के खेत में लगी सह फसली गीले गांजे के पेड़ों को काटकर पुलिस ने करीब 795 क्विंटल वजनी 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इसके बाद नायब तहसीलदार सचिन बंबले ने पंचनामा किया है, जबकि शासकीय रेफरी के रूप में जूनियर इंजीनियर बालाजी दहीफले मौजूद थे और उनके मायर मौजूद थे। भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस उपाधीक्षक सुनील नंदवरलर, ग्रामीण पुलिस निरीक्षक कावेरी कमलाकर, AI देवीदास ईशी, पुलिस हेड कांस्टेबल राकेश पाटिल आदि पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने का काम देर रात तक चलता रहा। जलगांव से भीमराव कोचुरे की रिपोर्ट। चोपड़ा ग्रामीण पोलीस ठाणे हद्दीत गांजाची गुप्त बातमीद्वारे माहिती मिळालेने आम्ही उत्तम नगर येथे रवाना होऊन उत्तम नगर लासूरच्या पुढे उत्तम नगर हद्दीमध्ये शोध घेतला। आम्हाला गांजाची शेती मिळून आली। त्या शेतीमधून बातमीप्रमाणे आम्ही सर्व लवाजमा घेऊन बातमीप्रमाणे आम्ही गांजा काढून घेतला आणि तो आहे, त्याचं वजन आहे 795 किलो। रक्कम आहे प्रति किलो 4,000 रुपये। रक्कम आहे 31,80,000। गुन्हा दाखल होण्याची कारवाई चालू आहे। सरकारी पंचांसमोर पंचनामा केलेला आहे आणि पुढील कारवाई करत आहोत। आरोपी किती आहेत? 2 आरोपी सध्या ताब्यात आहेत आमच्या। अजून आरोपी असतील तर त्याचा शोध घेतोय। याची कारवाई कोणी केली मॅडम? याची कारवाई आदरणीय डेप्युटी साहेब आमचे सुनील नांदवळकर साहेब होते, मी आणि माझे स्टाफ होता।